आइए और जानकारी लेते हैं। सर आपका नाम? करतार सिंह राजपूत। करतार सिंह राजपूत जी, अभी मैडम ने बताया कि ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग, ये ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग क्या तात्पर्य है और इसका क्या मायने हैं? मध्य प्रदेश में विगत 20 वर्षों से काम कर रहे अध्यापक संवर्ग के साथी का वेतन उनके साथ काम कर रहे सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं के तुलना में आधे से भी कम है, जबकि ये काम बराबर करते हैं तो वेतन और सुविधाएं बराबर दी जाना चाहिए, ऐसा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव पूर्व राज्य अध्यापक संघ और अन्य सभी संवर्गों के साथियों से वायदा किया था, लेकिन सरकार ने पूरा समय निकल जाने के बाद भी शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन नहीं किया। आज हमारा जो वर्ग 3 का सहायक अध्यापक है उसके तुलना में सहायक शिक्षक को डबल वेतन, लगभग 60,000 वेतन मिलने जा रहा है, जबकि हमारे जो सहायक अध्यापक है उसको 28,000 से 30,000 रुपये मिल रहा और कोई सुविधा नहीं उसको, न वेतन की, न उसको गृह भाड़ा है, न उसका बीमा है, न उसको पेंशन की सुविधा है, न हमारी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा है, न हमारे जो 1,062 के लगभग लोग असमय काल कल्पित हो गए हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति का कोई लाभ नहीं है। वो बहुत ही मानवीय पहलू है और हमारे उन साथियों को अनुकंपा का लाभ मिले, हमारे साथियों को समान कार्य, समान वेतन और शिक्षा विभाग में संविलियन मिले। सरकार निजीकरण करने जा रही है, उस निजीकरण से पूरे गरीब वर्गों का और अध्यापक समाज का, पूरे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो बनाना चाहती है सरकार, उसमें बहुत अधिक हानि हो रही है। हम इसी मांग के लिए हिंदुस्तान के इस राजधानी जंतर मंतर पर आए हैं कि सरकार शिक्षा में समानता का जो देश के संविधान में कानून है कि समान शिक्षा, वो समान शिक्षा नीति होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका सरासर, इसका घोर उल्लंघन हो रहा है। इस निवेदन को करने के लिए, समानता प्राप्त करने के लिए, 20 सालों के शोषण से मुक्ति पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी तक अपनी पीड़ा, 285,000 अध्यापकों के परिवारों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं। हमारे कई साथी रिटायर हो गए हैं, कई रिटायर की कगार पर हैं। हमने जीवन भर सरकार का काम किया है, अल्प वेतन पर काम किया है, इस उम्मीद और इस आशा में काम किया है कि पूर्व में काम कर रहे सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता भी पहले नगरीय निकायों के कर्मचारी थे, लेकिन आज वो रेगुलर हैं और उनको तमाम सुविधाएँ पेंशन सहित प्राप्त है। वो पेंशन की सुविधा हमारे साथियों को रिटायरमेंट के बाद मिलना चाहिए। अब ये बूढ़े हो गए हैं, जब तक हमसे काम बनता था हमने कम वेतन पर किया, लेकिन अब जब हम रिटायरमेंट की कगार पर हैं तो हमको समान व्यवस्थाएं, शिक्षा विभाग में संविलियन और निजीकरण सरकार को बंद करना चाहिए। इस आशा और विश्वास के साथ दिल्ली आए हैं कि भारत सरकार इस बात को सुनेंगी और भारत में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में काम करती है। हमारा ये भाव एवं शिक्षक है कि जब भी कोई अगर बात ना सुने, जब भी कोई छात्र हमारी बात न सुने तो हम उसके पिता तक जाते हैं, तो हम मामा की शिकायत करने माननीय प्रधानमंत्री जी तक आए हैं, नाना जी तक आए हैं। इस भाव और इस विश्वास से आए हैं कि अगर मामा ने बात नहीं सुनी तो नाना जी हमारी बात जरूर सुनेंगे और अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करेंगे। जय हिंद। मामा और नाना का दर्जा आप किन लोगों को देना चाह रहे हैं? मामा से तात्पर्य सीधा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से चिल्लाते रहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के समस्त छोटे बच्चों का मामा हूं, और चूंकि वो मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा आशय है, और नाना जी से मतलब अगर वो मामा जी हैं तो मध्य भारत के प्रधानमंत्री जी नाना जी हैं, तो हम नाना जी तक अपनी पीड़ा, अपनी अपने शोषण की अभिव्यक्ति करने माननीय प्रधानमंत्री जी तक आए हैं। जय हिंद, जय भारत।